हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार विनय स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज आपके लिए मैं एक नया क्वेश्चन लाया हूं और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो वृत्त के अंदर आपको त्रिज्य खंड जो दिखाई दे रही है, इस त्रिज्य खंड में ये छायांकित वाला भाग है, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है, इसमें पूछा गया है। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर हमारे पास यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि ये 60 डिग्री इस वाली भुजा को दर्शाता है। और हमें ये भी क्लियर पता है कि ये जो है, ये हमारी जो दो रेडियस हैं, ये दोनों बराबर है, 12 सेंटीमीटर मान लेना आप, और ये 60 डिग्री है। तो अगर हम त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 180 में अगर हम 60 निकाल देंगे तो 120 बचेगा, और 120 को जो है हम आधा आधा कर लेंगे, तो इन तीनों कोणों का मान जो होता है 180, और इन तीनों कोण जो होंगे वे 60-60 डिग्री के हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा ये जो त्रिभुज बनेगा समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का अगर हम एरिया निकालें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a², इसकी भुजा समान होती है। एक रूल और होता है इसका, h×a/2, अगर ऊंचाई दी है तो, अगर ऊंचाई दे दी इसकी तो h×a/2 ये इसका एरिया होता है। परिमाप अगर हम बात करें, इसकी जो परिधि होती है वो होती है 3a, परिमाप या परिधि। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। वो कैसे, वो देखो आप, पहले निकाल लेंगे हम त्रिज्याखंड की लंबाई निकाल लेंगे, सॉरी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है वो π r² θ/360 होता है। पाई का मान मत रखना यहाँ, पाई रहने दो ऐसे ही, आर का मान 12 धोनी 12 का वर्ग कर लेंगे, 12 × 12 और गुणा 60/360, 6 × 6 = 12, तो हमारे पास आ गया 24π। ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल कर आ गया 24π। अब इसमें अगर हम बात करें, हमें निकालना अब ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम निकालेंगे √3/4, ए का मान हम मान लेंगे 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, और 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 12 ये आ गया 36, तो ये आ गया 36√3। जो हमारे पास समबाहु त्रिभुज जो निकल कर आया है ये 36√3, और हमारे पास आया ये 24π, ये आई त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल का है। इसमें से हम क्या घटा देंगे, 24π में से माइनस का 36√3 घटा देंगे। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम 12 कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा है 2π√3, 3√3 यहाँ बचेगा। तो यही हमारा आंसर है, यही हमसे पूछा गया।